अब मियां साहब सेहत कैसी है वैसे? सेहत ठीक है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उन्होंने पेट प्लेटलेट्स गिराए किसने थे खाए साहब? क्योंकि आपने प्रोग्राम में मैंने सुना आपने कहा कि उनको एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा, तो बाजवा साहब ने प्लेटलेट गिराए थे ये सारे? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। वोट को इज्जत दो तो खत्म हो गया ना? नहीं नहीं, ये मेरा इलेक्शन आ गया ना। आपका मुकाबला किससे है पंजाब में? अपने आप से ही है वैसे? आई डोंट नो, पीएमएलएन वर्सेस पीएमएलएन ही है वो, तो और कौन मुकाबला? अगर तरीकन साहब को निकाल देंगे और बैलेट पर ही नहीं होगी तो केड़ा इलेक्शन है फिर? अब मियां साहब सेहत कैसी है वैसे? सेहत ठीक है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो इस उम्र में बाज एलिमेंट्स होती हैं उसके अलावा कोई नथिंग सीरियस। उन्होंने पेट प्लेटलेट्स गिराए किसने थे खाए साहब? क्योंकि आपने प्रोग्राम में मैंने सुना आपने कहा कि उनको एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा, तो बाजवा साहब ने प्लेटलेट गिराए थे ये सारे? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा। ऑब्वियसली उस वक्त कोई भी नहीं भेज सकता था बगैर उनकी इजाजत के। जो बोर्ड आया था 8-9 बंदों का, मैंने जो हुआ था वो सारा नहीं, मैंने साहब कहते हैं मालिक साहब के प्रोग्राम में आपने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको बाहर भेजा इमरान खान? नहीं, मैंने यही कहा है, मैंने अभी भी यही कह रहा हूँ कि इमरान खान तो नहीं भेज सकता था उनको, एस्टैब्लिशमेंट नहीं इजाजत देनी चाहिए उनको। तो एक परसेप्शन ये बनी जो मियां साहब बाहर गए कि जनाब ये सारा कुछ प्लान था, प्लेटलेट्स गिराए गए और वो सारा मैनेज किया गया। देखिए नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा मैनेज किया गया, बिकॉज मैं जो 8-10 दिन 15 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, मैं तकरीबन रोजाना वहाँ पे होता था, डॉक्टर जाते थे डॉक्टर जाते थे। उस जमाने में जो कुछ होता था, चाहे बंदा पकड़ा जाता था या बंदा छोड़ा जाता था, बंदे पे मुकदमे बनते थे, सारे के सारा एस्टैब्लिशमेंट क्लियर करती थी। करती भी वही थी, उन्हें क्लियर करना जिन्हें करना। वोट को इज्जत दो तो खत्म हो गया ना? नहीं जी, ये मेरा इलेक्शन आ गया ना, फिर इसे देनी है? बिल्कुल ना, वोट जो है वोट केड़ी से देनी? नो नो, वोट जो है वोट जो है अब वोट की हुक्मरानी होगी ना। वी आर गोइंग टू द अल्टीमेट आर्बिटर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और इस और वोट को इज्जत देना इससे बड़ी इज्जत। आपका मुकाबला किससे है पंजाब में? अपने आप से ही है वैसे? आई डोंट नो, पीएमएलएन वर्सेस पीएमएलएन ही है वो, तो और कौन मुकाबला? अगर तरीकन साहब को निकाल देंगे और बैलेट पर ही नहीं होगी तो केड़ा इलेक्शन है फिर? इलेक्शन आप देख लेंगे। आपका मुकाबला किससे होगा ये बताइए? इज देयर एनीवन यू सी अगर पीटीआई का टिकट ना हुआ कि जो आपके साथ मुकाबला करे? नहीं, पीटीआई के टिकट लेने वाले होंगे, बिल्कुल होंगे। पक्की बात है? बिल्कुल होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल होंगे पीटीआई के टिकट। को आज आ रहा है कि पीटीआई बैलेट पे ही नहीं होगी, इस तरह की गुफ्तगू नहीं है। फ्री छोड़ा जाएगा उनको? देखें, जो लोग हिट हो जाते हैं मुकदमों के साथ, तो उनका इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना डाउटफुल हो सकता है, लेकिन बाकी जो लोग उनके हैं, बेशुमार लोग हैं जो नहीं हिट हुए हुए और वो पीटीआई के साथ हैं, आज भी पीटीआई के साथ हैं, वो छुपे हुए क्यों हैं फिर? ये उनसे पूछे, मैं तो नहीं कहता। जो लोग नए भी मुलव्वस थे वो भी जेलों, बहुत से लोग जेलों में गए ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका लेना देना कोई नहीं। कौन गया? श्री मजारी के बारे में फॉर एग्जाम्पल, कल एक बड़े सीनियर एंकर मुझे कह रहे थे, उन्हें कहा कि वो बीमार थी, ना कोई ट्वीट की, घर से बाहर नहीं निकल रही थी, अंदर और फिर पार्टी छोड़ दी। नहीं, श्री मजारी साहब मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कोई उन पर ज्यादा, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू थी टीवी के ऊपर सारे पे रन कर रही थी, जो कुछ वो कह रही थी। बट दैट पर्टिकुलर डे जो 9th May है, एटलीस्ट 2-4 लोगों के बारे में आप कह सकते हैं कि मैं ये ठीक है, मैं वहां तक मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे मे बी शी वाज नॉट देयर। इज देयर एन ऑपरेशन क्रश दैट्स गोइंग ऑन? क्रश व्हाट? अ पॉलिटिकल पार्टी? आई डोंट थिंक सो। हमारे साथ जो हुआ है 2018 में, इट वाज सो ब्लेटेंट, किसी ने छुपाया भी नहीं है, और 9 महीने 9 महीने नीचे 9 महीने नीचे।